आज हम बनाने वाले हैं चिकन स्प्रिंग रोल। तो ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची सा बन जाता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में जो आपके घर में अवेलेबल होते हैं उससे बन जाती है। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 300 ग्राम मैदा और उसमें डाल दी है मैंने 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1 स्पून ऑयल। तब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें डो रेडी कर लेना है। तो हमें इसका डो ज़्यादा नरम नहीं बनाना है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना, ज़्यादा कड़क भी नहीं रखना है। बस इस तरह इसे अच्छे से मसलते हुए हमें बना लेना है। तो देखिए हमारा डो बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल काट लूँगी। तो हमें इसके बहुत छोटे छोटे बॉल बनाना है क्योंकि हमें जो समोसे की शीट बनानी है वो बहुत पतली होती है। तो बस मैंने इतना ही बड़ा बॉल बनाया है इसके। अब थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करके हमें इसे बेल लेना है। तो बस हमें इसे 5 या 6 इंच के डायमीटर में हमें इसे बेल लेना है। बाकी के प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। तो इसी तरह मैं 3 से 4 बेल कर रख लूँगी और लगभग हमें सभी एक साइज की बेलना है। तो मैंने इस तरह से 4 रोटियों को बेल कर रेडी कर लिया है। और अब एक रोटी लेंगे हम और उसमें इस तरह तेल लगा लेंगे। ऑयल अप्लाई करने के बाद हमें इसमें थोड़ा सूखा मैदा स्प्रिंकल कर लेना है ताकि जब हम इसे अलग करें तो ये बिल्कुल आराम से अलग हो जाए जो हमारा समोसा का शीट है। तो ये सूखा मैदा लगाना बहुत ज़रूरी है। मैंने तीनों रोटियों में इस तरह तेल लगा लिया है। और अब जो हम चौथी वाली रोटी रखेंगे इसमें उसके ऊपर हमें तेल नहीं लगाना है, बस सिर्फ आटा स्प्रिंकल करना है और इसे हल्के हाथों से बेल लेना है। बस मैंने इस साइज का इसे बेल लिया है। अब मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया है और उसके ऊपर डाल देंगे ये रोटी। तो मैंने आंच को धीमी रखी है क्योंकि हमें इसे रोटी की तरह पूरा नहीं सेकना है, बस गरम करना है जिससे ये आसानी से अलग हो जाए। तो मैं सारे शीट को इस तरह अलग कर लूँगी और फिर से रोटी को टर्न करें। तो ये देखिए थोड़ा ज़्यादा पक गया है मेरा, हमें इतना नहीं पकाना है। ये देखिए कितने आराम से ये निकल जाएगा शीट। तो गरम गरम में ही सबको अलग कर लेना है। अब मैंने ले लिया एक पैन, उसमें एक डाल दिया 1 टेबल स्पून तेल। अब 5 से 6 कली मैंने लहसुन के बारीक काट लिया है और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 1 छोटा साइज का प्याज है बारीक कटा हुआ। इन सबको डालकर 1/2 मिनट तक इस तरह हिला लें। अब डाल रही हूँ गाजर जो बारीक काट कर रख लिया था। तो गाजर गलने में बहुत टाइम लेता है इसके लिए मैं पहले डाल रही हूँ। तो 1/2 मिनट तक इसे वापस से इस तरह टोस्ट कर लेंगे। और अब डाल दिया है मैंने पत्ता गोभी। इसे भी इस तरह हिला लेंगे। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर कैप्सिकम, 1 छोटा साइज का कैप्सिकम लेकर मैंने बारीक काट लिया था और स्प्रिंग ऑनियन जिसे प्याज की कली कहते हैं। इसे मैं बाद में इसलिए डाल रही हूँ कि ये बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है, हमें भाजी को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। इसका जो टेस्ट है हमें क्रंची सा चाहिए। अब डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक। नमक आप स्टार्टिंग में कम ही डालें। और यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब यहाँ पर मैंने एक कप बॉईल किया हुआ चिकन श्रेड करके रख लिया था, उसे मैं डाल दी। एक टेबल स्पून यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस डाल दिया मैंने, और एक स्पून सोया सॉस, एक स्पून विनेगर। तो नमक हमें स्टार्टिंग में कम ही डालना है, क्योंकि हम यहाँ पर सोया सॉस डाल रहे हैं, सोया सॉस में नमक पहले से ही होता है, तो इसके लिए नमक आप अपने हिसाब से डालें। अब इसे तेज़ आंच में हमें टॉस कर लेना अच्छे से। इस भाजी को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस तेज़ आंच में आप इसे लगातार हिलाते हुए पका लें। तो मैं 2 से 3 मिनट इसे पका लूँगी इस तरह से। तो मैंने इसे 3 मिनट तक पका लिया है, अब गैस की फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी यहाँ पर। तब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो मैंने यहाँ जो शीट बनाकर रखा था उसमें डाल दूंगी ये फिलिंग्स, और इसे मोड़ लेना है इस तरह से। तो हमें इसका रोल बनाना है। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून मैदा लिया था, उसमें थोड़ा पानी मिलाकर मैंने इसे इस तरह पेस्ट बना लिया था इसे चिपकाने के लिए। तो इसे अप्लाई करेंगे इसके ऊपर साइड्स में, और इस तरह इसे मोड़ लेंगे। तो दूसरी वाली भी मैं लेकर इसी तरह से भी फिल कर लूँगी। आप चाहे तो इस शीट को यहाँ पर कट भी कर सकते हैं साइड्स इसके, मैंने कट नहीं किया क्योंकि ये वेस्ट हो जाता है साइड्स हमारा। तो मैं इससे पूरा इस्तेमाल कर रही हूँ इस तरह, आपको मैं कट कर कर बताऊँगी। तो देखिए बस सिंपल सा इस तरह से हमें मोड़ लेना है, और अच्छे से इसके साइड्स हमें चिपका देना है। तो देखिए मैं आपको कट करके बता रही हूँ। तो हमें इस तरह शीट ले लेना है, और उसके साइड्स इस तरह कट करके हटा लेना है, और हमें स्क्वायर सा शेप बनाना है इसका। तो साइड्स की पट्टी जो होती है फिर काम में नहीं आता, ये हमारा वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में से कट नहीं किया था, आपको बताने के लिए कट करके बता रही हूँ। तो इसमें अब इस तरह हम फिलिंग रखेंगे इसके अंदर, और इसे इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। तो अब हमारा सारा बनकर रेडी हो चुका है। हम यहाँ पर तेल गरम कर लेते हैं, और इसमें ये डाल देंगे सारे स्प्रिंग रोल। तो हमें इसे हाई फ्लेम में 1 मिनट तक पका लेना है इस तरह। इसे गोल्डन सा कलर आने तक हमें एक तरफ पका लेना है इसे। तो इसे टर्न कर लेते, देखिए एक तरफ हमारा गोल्डन कलर हो चुका है। अब टर्न करके हमें इसे दूसरे तरफ भी गोल्डन कलर होने तक पका लेना है। तो इसे फ्राई करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि अंदर हमारे भाजी भी जो पका होता है, और जो हमारी वो शीट होती है समोसा शीट, वो भी पहले से ही पकी होती है आधी, तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो देखिए हमारा ये तलकर रेडी हो चुका है, बिल्कुल गोल्डन सा कलर आ गया है। तो आप भी अपने घर में से ज़रूर ट्राई करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपके घर में कैसी बनी है। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ फिर आपसे नई वीडियो में मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखें, मेरी रेसिपी को बनाकर एंजॉय करें।